हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं तक इलविश यादव नाराज हैं कटारिया से, अक्षय से और लक्ष्य से, क्योंकि ये लोग शिवानी कुमार के घर पे गए थे और शिवानी कुमारी ने एक नासमझी में कहा जाए या फिर बेवकूफ़ी में कहा जाए एक बात जो बोल दी थी इलविश यादव के लिए या फिर जो उनकी टीम थी लक्ष्य और अर्षित और शाहजहाँ कटारिया, तो वो शौरी बोलने की बात थी कि उन्होंने शायद बिग बॉस में जाने के दौरान जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में जर्नी कर रही थी तो उसके दौरान सब लोगों ने कुछ ऐसा बोला हो कि उसकी जो आवाज़ है हमारे कानों में लगती है। ऐसी कुछ बातें हुई हैं कहीं ना कहीं तक शिवानी कुमारी के लिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए शिवानी कुमारी ने जब कटारिया के दोस्तों के घर पर मिलने के लिए आए, हालांकि शिवानी कुमारी ने अच्छे से की आवभगत की, सब कुछ की, लेकिन शिवानी कुमारी ने वो बात अपने दिल में रखी थी। कहीं ना कहीं आप ब्लॉग देखा होगा या कोई वीडियो देखी होगी कि इन लोगों ने मेरे से ये बोला था कि मेरी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं कानों में लगती है, तो उन लोगों ने सॉरी भी बोल दिया। हालांकि बनता है, और लक्ष्य का सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ये लगी, लक्ष्य ने विशाल को भी यही कहा था कि हम अगर किसी के घर पर जा रहे हैं और उसके घर पर बैठे हुए हैं, अगर वो सामने से बोल रही है कोई बात कि ऐसी बात आपने हमारे लिए क्यों बोली थी, तो वहाँ पर मैंने सॉरी बोल दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। और अगर हम किसी को सॉरी बोलते हैं और जो विवादित मुद्दे या कोई भी ऐसा मुद्दा है अगर हमारे मुंह से निकलता है तो सॉरी बोल के हम छोटे नहीं होते हैं, उन मुद्दों को खत्म करके हमको आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यही बात थी, और शिवानी का जो बचपना था, शिवानी ने जो गलती की थी वो गलती ये की थी अपने बचपने को लेते हुए कि उसने जो लोगों ने सॉरी बोला तो उसने माफ तो कर दिया, लेकिन अपनी जो ऑडियंस है, जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको ये बोल दिया कि हमने तो माफ़ कर दिया है, बाकी हमारी जनता देखेगी। तो ये कहीं ना कहीं तक गलत है, क्योंकि अगर शिवानी कुमारी की जनता भी दिखेगी तो इलविश यादव की जनता है, कटारिया की जनता है, लक्ष्य और अक्षय अर्षित की जनता है, तो वो भी जनता लेके बैठे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने माफी मांगी तो माफ कर दो, बात को खत्म करना चाहिए। पहली बात तो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं था, आपके घर सबसे बड़ी बात है, आपको बोलने के बाद भी आपके घर वो लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं तक ये बहुत बड़ी बात है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हालांकि इलविश यादव, कटारिया और अक्षय अर्षित चारों मिल चुके हैं, क्योंकि कल इलविश यादव अपने सूट से कहीं ना कहीं तक वापस आए थे, तो आज वो आ चुके हैं और उन्होंने वीडियो के दौरान जो बातें बताई हैं वो बातें मैं आपको मेन गाय तो बिजी गाय जय करता हूं। जय जय कटारिया। शिवानी कुमारी को दिए मेरे कम दे रहा मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बीच बीच में मार मतलब बंदा फुल की चाय करने वाला है भाई, भाइयों में तो देखो कुछ बुरा सही बात है ब्रो, सिस्टम है सिस्टम। काफी चीजें मेरी कटारिया से रह गई, बिल्कुल बिल्कुल कटारे से पूछा है। तो हाउ वाज योर बिग बॉस एक्सपीरियंस भाई? भाई बिग बॉस का एक्सपीरियंस जैसा तुमने बताया था ना कि मजे लिए वहां पे, एक्सपीरियंस लिए, मैंने वही लिया। 20 दिन तक ठीक था, कैसे बात करते थे इंटरव्यू की तरह बात कर। भाई बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत कुछ सही था, मेरे को बहुत सीखने को मिला और काफी अच्छा लगा। काफी अलग अलग टाइप के लोग थे, कई लोग चिड़ी होती थी, बट सिंपल सी बात ये है कि भाई 20-25 दिन के बाद है ना, वो जो दीवारें होती हैं वो सेम सेम दीवारें देख के पक सही बात है। आपको लगता है कि क्या है, जैसे लोग कम होते रहते हैं, तुम्हारे यार दोस्त भी सोचो जा रहे हैं छोड़ के, ऐसा लगता था कि तुम्हारा खाई जा रहे हैं, इनसे मिल पाएंगे ना मिल पाएंगे, तो यार यही था। बाद में थोड़ा सा वो हो गया था कि ये दीवारें सेम चीज़ें, सेम लोग, सेम ऑब्जेक्ट्स देख के थोड़ा बोल रहे, पर हाँ भाई मज़े बहुत आए, लाइफ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में ये तो सना मकबूल को फील हुआ होगा ना, जिसमें लोग कम होते हुए बोतों का काटा भाई सदा मकबूल ने, बोतों के लात मारी है सही बने। तो अगर बोतों के हिसाब से होता ना कटारिया बस, तो किसी का बस की नहीं, कटारे को हिला दे भाई सिस्टम था। हम हर चीज में आगे थे, चाहे बॉस मीटर हो और क्या क्या होता था, और वो हीरो होंडा की बाइक, हाँ एसपी होंडा साइन गिव अवे कर रहे हैं ना, चलेंगे सारे भाई गिव अवे कर, वो बाइक उन्होंने अभी दी नहीं है भाई, उनका हाल कौन आया था वो कह रहे हैं कि बताऊंगा बाद में, कोई जरूरत कैमरा नहीं था, नहीं नहीं वो दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, और गुड़गांव से दे
अच्छा वहीं से खरीद के देंगे ओके, मुझे लगा बॉम्बे से जो रखी रहती है वही उठा के बेच देंगे। तो भाई साहब कटारिया भाई, मैं आजकल जो ट्विटर पर चल रहा है बहुत सारा मैं देख रहा हूँ कि लक्ष्य यार चीज कटारिया ये लोग थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, नेगेटिवली ट्रेंडिंग में। वो तो कोई नहीं देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, पार्ट ऑफ सोशल। कोई नहीं ब्रो, बोलने वाले बोलते रहते हैं। आप उनके जवाब देना चाहोगे कटारिया जी या फिर नहीं देना चाहोगे? नहीं नहीं यार, सवालों के जवाब देना मेरे को बिल्कुल तो समझ आ गया। अंदर भी तो बहुत सवाल, बहुत सारे इंटरव्यू देखे मेरे को। पहला सवाल 7 करोड़। पहला सवाल मेरा अर्जित से है। ओ ले अर्जित फंस गया पहले ही। कि लक्ष्य ने शिवानी से माफी मांगी, तूने तूने क्यों नहीं मांगी भाई? मेरा वही वही है ना, मैंने बोला माफी ना, तू भी जमीन गिरा दे। चलो कोई नहीं यार, मैं तो कटारे से पूछना चाहूंगा। कटारिया देखो थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा दे, लाइट आ गई है। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं मेरी इनसे बात भी होगी और सारी चीज़ें क्लियर है। बस मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना चाहता हूँ कॉल। बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूँगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वॉज जस्टिफाइड और नॉट। भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आज इसे सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो मैं सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने कोई उसका कॉल भी करता हूँ, पर वो भी आज बैंगलोर थी पता चीज का नहीं बात करता। पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझ, मतलब उसको मुँह में आता है, ये मेरे को भी पता, क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी। हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि उस फ्रेम में मैं था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे पास देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मगर भाई ये गलत है, ये चीज़ें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती थी, तो इनफैक्ट इनको भी कहता मतलब सॉरी मान लो यार क्या बात हो गई इसमें, तो उसको नहीं मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे लेके बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़ बोली मैं कहूँगी मानक तो सॉरी मांगने वाला मैं तो ये हर जगह मांग। तो तू भी छोटा युवा होता है, और ये कितने साल का? 23 का हो गया, तू 22 का नहीं था तो तू और तू शिवानी और अर्जित एक उम्र के हो, करेक्ट? शिवानी तो छोटी है तुमसे मेरे भाई, बड़ी है 22 साल के, नहीं हाइट में बड़ी होगी वो, हाइट में चलो ये भी ठीक। देखो मेरा ये कहना, मैं सारी पब्लिक है जितनी भी देख रही है, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनल हेट, मेरे को किसी से नहीं है, मेरी पर्सनल, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि मुझे कोई पसंद है या नहीं पसंद है, उसको कोई बिल्कुल बिल्कुल वो भी क्या पता मैं पसंद हूँ ना हूँ, मुझे कोई पसंद है लोगों को नफरत भी है मेरे से, एंड इट्स ओके, सबकी पर्सनल चॉइस है, इन्हें भी बहुत लोग नहीं पसंद होंगे, मैं किसी का चेंज नहीं करना चाहता बस। और मेरे को ये अच्छी भी चीज़ लगी कि इन्होंने जाके सॉरी मांगी, बात मेरी बस ये थी कि उनने जो रिएक्शन दिया वो गलत था, और उसके ऊपर मुझे इन पर गुस्सा आया कि हाउ कैन यू टॉलरेट ऐसी चीज। और कटारे ने भी कुछ नहीं बोला, और मेरा किसी चीज़ का गुस्सा नहीं था भाई, मुझे क्या लेना देना, अपना खा रही है कमा रही है, अपने घर में रह रही है, मौज कर रही है, हु केयर्स। ना ना भाई सही बात है, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक ओपिनियन है भाई, तुम्हें उसकी आवाज़ बैन करती थी जो भी लगती थी, पहले लगी थी बाद में तो चेंज ठीक होगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा उसी भाई में आदि हो गया ना, तो उसका फिर मतलब सुनता सुनता कान में भाई, पता क्या है मैं उसके साथ रहा हूँ 40-50 दिन के दिन भी रहा हूँ, तो कई चीज़ों में ना मैं इसमें तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम्हारा ओपिनियन खराब है, सबका होता उसका भी होगा कुछ, पर है ना जब तुम किसी के साथ रहते हो तुम्हें भी पता है, बिकॉज करके तुम भी रहे हो मुझसे पहले रहे, और तुम तो जीत तो भाई तू भी सिस्टम, तो जब आप किसी के साथ इतने दिन रहते हो ना तो तुम आप उसकी हरकतों को जाँचने मतलब पता लग जाता है कि तुम्हें ऐसा ही है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसकी है, वो दिल की वो नहीं है बट हाँ वो बड़बोली है, ये मैं जरूरी कर रहा हूँ यार, दिल का बुरा तो कोई नहीं होता। देखो मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, शिवानी के जितने भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट पर्सनली हेट हर, आई डोंट इवन हेट हर ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली ना मैंने उसको कभी देखा सामने से, ना मेरी कभी बात हुई उससे, और ना मेरा एज सच कोई ओपिनियन उसको लगी कि मेरे को कोई बुरी ही लग रही है, वो बुरी है, बुरा कोई नहीं होता भाई, बुरी सिचुएशंस होती हैं, जो सिचुएशन जो भी वो क्रिएट हुई और उसने जिस हिसाब से इनके साथ बर्ताव करा, दे आर वेरी क्लोज सारे जने ना, तो तुम लोगों की तो मुझे लगता है तुम लोगों को ही ख़राब बोलता तो उसमें मेरे को ख़राब होता, क्योंकि भाई मेरे को बोला है इनडायरेक्टली, शी डिसरिस्पेक्टेड मी, तो वही बात है सारी,
तो उसको बोलना अपोलॉजी अपोलॉजी क्यों बोल रहा है मैं एक बार बात तो कर ले भाई अरे ढंग का देखो मैं तो करूंगा नहीं इनकी करा ना कोई चक्कर यार अच्छी है ना मैं भी पर्सनली ब्लॉग में तुम कहोगे भाई बात दिखाओ ना क्या करते अच्छी नहीं होती ना ब्लॉग में डालने नहीं वो डाल देगी उसका कैमरा भी तो ऑन रहता है ऐसे तो क्या रखा है वो ऐसा फोन सा ऊपर भाई बुढ़ियो आओ फोन के ऊपर माइक लगा रहा है इतना बड़ा और एंड्रॉइड से ब्लॉग कर अच्छा है यार आई एम हैप्पी फॉर हर कि एंड्रॉइड से ब्लॉगिंग कर रही अंदर हमारे पास भी तो एंड्रॉइड था हाँ हाँ तुमसे तो फोन भी था तो गाइज देख सकते हैं आप इस वीडियो के दौरान एलबी यादव का कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था शिवानी कुमारी को कहने के लिए हालांकि लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई हैं एलबी यादव के लिए ऐसी बातें फैलाई है कतारिया एलबिश की लड़ाई हो गई या बहुत सी ऐसी बातें हैं लेकिन देखा जाए तो एलबी यादव का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि शिवानी कुमारी ने अगर तुम लोगों के लिए कुछ कहा है तो एक तरह से इनडायरेक्टली मेरे लिए कहा क्योंकि दोस्ती भाईचारा मतलब दोस्ती है ये भी है पक्की दोस्ती जैसे कि कतारिया शिवानी कुमारी की दोस्ती अभी अभी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं तक एलबी यादव की अर्चन की और लक्ष्य की दोस्ती सालों पुरानी दोस्ती है तो अगर किसी एक के लिए कोई ना कोई पर्सन बोलेगा तो ऑब्वियसली बात है सबको बुरा लगेगा तो उसी हिसाब से कहना कि एलबी यादव को बुरा लगा था हालांकि उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है और उन्होंने ऐसा कुछ गलत कहने का मतलब नहीं था और वो शिवानी कुमार से हेट भी नहीं करते ऐसा उन्होंने बता दिया है इस ब्लॉग के जरिए हालांकि अच्छा है और सबसे बड़ी बात मेरे को यही लगती है कि एलबी यादव भाई की हम्बलनेस और उनका जो भाईचारा है लोगों के बीच जो तीन चार लोगों के जो भाईचारा है भाई बेस्ट ऑफ दुनिया का मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा और ये जो दोस्ती जो ये है ना उस दोस्ती को कभी किसी के नजर ना लगे हमेशा ये दोस्ती आगे बढ़ती रहे सक्सेसफुल रहे चाहे लाख शिवानी कुमारी आ जाए लाख कोई आ जाए लेकिन ये जो दोस्ती है भाईचारा है हमेशा बना रहना चाहिए दोस्तों क्योंकि इस तरह से दोस्त कभी नहीं मिलते हैं जो दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं सच में कटारिया के एलबी यादव की और उनके जो दोस्तों की दोस्ती काबिले तारीफ है और साथ साथ जो उनका फैन बेस है जो भाईचारा है एलबी शर्मी है वो भी काबिले तारीफ है दोस्तों ऐसी ऑडियंस हर शख्स को चाहिए होती है कि उसको सपोर्ट करे और सही के लिए सही हो बुरे के लिए हमेशा बुरा रहे हालांकि एलबी यादव को मैं पर जानता नहीं था लेकिन जब से मैंने उनके ब्लॉग्स वगैरह देखना शुरू किया और उनको कहीं ना कहीं तक जाना शुरू किया तो मैंने जाना कि भाई देखो बुरा तो हर इंसान के पीछे बुराइयाँ चलती रहती हैं लेकिन इंसान हम्बलनेस या फिर प्रेमी भाव का देखा जाए तो बहुत अच्छा है किसी के लिए बुरा नहीं सोचता सबका भला सोचता है और अच्छा भी है और आज कटारिया और उन सबका आपस में मिले हैं बात भी क्लियर हो गई है शिवानी कुमारी से कोई हेट की बात नहीं थी जिस तरह से शिवानी कुमारी के अगर देखा जाए तो हाँ शिवानी कुमारी की वो बात गलत है शिवानी कुमारी को उस गलती के लिए ठीक करना चाहिए या तो वो ब्लॉग एडिट कर दे या फिर जो भी गलतियां हुई हैं बचपने में उन गलतियों को ठीक करना चाहिए एलबी यादव से बात कर ले क्या दिक्कत है यार देखो दुनिया में काम कर रहे हैं यूट्यूबर ब्लॉगर हैं सोसाइटी में रहते हैं तो आपस में कम्युनिटी है कम्युनिटी से मिलजुल के रहने में ही भलाई ये अच्छे से रहना चाहिए कम्युनिटी के साथ क्योंकि लोग हर जगह हाथ फैलाते घूम रहे हैं घृणा करते घूम रहे हैं अगर आपस में प्यार मोहब्बत है तो वहाँ पर सच में एक अच्छी बात होती है खैर दोस्तों इस ब्लॉग में यही था काफ़ी अच्छा भाईचारा है इन दोस्तों का हमेशा बना रहे शिवानी कुमारी भी इन भाईचारा में आगे के धीरे धीरे बढ़ रही है देखते हैं कहाँ तक बढ़ पाएगी खैर इसके लिए हम देखते हैं अगली वीडियो तब तक अपना ख्याल रखें।